हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। सुचिता इलाहाबादी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मूँगफली का वो बर्फी बनाने जा रहे हैं। ये मूँगफली है एक कटोरी, इसको मैंने भिगाया था 4-5 घंटे। अब इसमें हम मिक्सर में पीसेंगे। हाँ दोस्तों, ये देखिए, एक चम्मच हमने देसी घी लिया है। अब ये मूंगफली बारीक पिसा गई है, हल्का सा पानी डाल के देखिए एकदम चिकना सॉफ्ट पीस लिए हैं हम इसको। इसको हम फ्राई करेंगे। हाँ देखिए, इसको हम धीमी आंच में भूजेंगे मूँगफली का अच्छी तरीके से। और एक तरफ हमने दूध रख दिया था, ये मेरा खोआ बन रहा है, ये भी जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। देखिए दूध गाढ़ा हो गया है। ये देखिए मूँगफली देसी घी में ब्राउन कर लिए हैं भूजने के बाद। ब्राउन होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सूखा सूखा हो गया है। अब हम इधर दूध मेरा खोआ बन गया है, ये देखिए दोस्तों। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। इसको पकाएंगे थोड़ी देर। ये देखिए खोआ और चीनी अच्छी तरीके से पक रहा है। इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे, तब इसमें मूंगफली जो भूंजे हैं इसको मिलाएंगे। थोड़ा सा पका लेंगे 5 मिनट। मूंगफली को खोए में मिला रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये हमने खोआ और मूंगफली जो भूंजे हुए थे उसको मिला लिए हैं। अब इसमें इलायची पाउडर मिलाएंगे। अब इसको हम निकाल के बर्फी बनाएंगे प्लेट में। ये तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। इसको हम प्लेट में अच्छे से फैलाएंगे। ये देखिए, फैला के थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम कट करेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए मेरी बर्फी बन के तैयार हो गई है। इस तरह से हमने बर्फी बना लिया है। दोस्तों आप भी इसी तरह से बर्फी बनाइए और खाइए, कैसा लगा बताइए। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। दोस्तों सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।